ये कपड़े क्यों फेंके मैं जमीन पे? लॉकर है, मरो तुम, भाड़ में जाओ, जनाजा निकले तुम्हारा, मुझे अजाब कर दिए मेरी। तुम तैयार हो जो, मैं तुम्हें बाइक पे छोड़ देता हूँ। अरे हाँ, अम्मी ने कहा था कि सोने के जेवर पहन के आना। मैं काम करती हूँ, मैं थोड़े से कड़े पहन लेती हूँ और छोटे छोटे झुमके। दो मिनट तो मैं आ रही हूँ। हालात देखिए तुमने, शहर के कितने खराब हैं। इस तरह बन ठन के जाओगी तो कोई लूट लेगा हमें। अभी ये पिछली गली में दो दिन पहले एक औरत की चेन और चूड़ियां तोड़वाई है किसी ने। है? हाँ ना भाई, इस तरह जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जाओ खुद। नहीं रहने दो, मैं अम्मी से कोई बहाना कर दूंगी। मेरे हैंडसम हस्बैंड ने मुझे बाइक पे छोड़ने की ऑफर दी है और मैं ये चांस मिस कर लूं? हो ही नहीं सकता, नेवर। तुम बाइक बाहर ले आओ, ठीक है? दो मिनट दो मैं आ रही हूं, ठीक है? अब ये बैठे बैठाए नई मुसीबत। फिलहाल से बात हुई तुम्हारी? कितनी बार फोन किया उसको मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। मुझे तो इसके बाप के पागलपन पर हैरानगी हो रही है। अरे जब वो टेरेस की तरफ भागा, मैं समझी अपनी बीवी के डर से छुपने गया है। किसको खबर थी कि छलांग मार देगा? बीवी का इतना डर था उसके दिल में? भाई अगर बीवी का इतना ही डर था तो क्या जरूरत थी आपके साथ इतना आगे जाने की? ये मर्दों के साइंस जो है ना, खासतौर पर शादी शुदा मर्दों की, तुम्हारी समझ में नहीं है लेकिन आ जाएगी। भाई एक तरफ उड़ने के लिए पर तोलने का भी शौक होता है और साथ ही साथ दिल में ये डर भी होता है कि अगर सयाद को खबर हो गई तो क्या होगा। सयाद? वो क्या होता है सयाद? वो टूरिस्ट ना जो इब्ने बतूता था? तुम्हारा सर था। ये जो बीवियां हैं सबसे बड़ी टेररिस्ट तो यही है। इन्हीं के डर से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और पता नहीं कौन कौन सी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला होकर ये मर्द जल्दी तय हो जाते हैं और उसके बाद ये औरतें बेवा बनकर शानदार जिंदगी गुजारती हैं और इनके बच्चे पिल्लों की तरह इनके कदमों में लौटते हैं और कहते हैं अरे हमारी माँ ने तो एक बेकार आदमी के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजार दी। ऐसी होती हैं औरतें, ऐसी होनी चाहिए औरतें। और बाद में इन्हीं दहशतगर्द ब्लैकमेलर माओं के हवाले दे देकर बीवियों की जिंदगी जहन्नुम बनाई जाती है। आपको हो क्या गया अम्मी? थोड़ा सा, जरा सा तो अफसोस होना चाहिए ना। आपके साथ तो काफी वक्त गुजार लिया था उन्होंने चंद दिनों में। ये जिंदगी के ठुड्डे खा लिए हैं कि अब ना किसी के जीने में खुशी होती है ना किसी के मरने पर मलाल। बेहिसी की इस हद तक पहुंचने के पीछे अनगिनत वाकयात हैं। छोड़, अपने मोबाइल पे कोई अच्छा सा गाना ही लगा दो। डरो मत, अभी तो जनाजा मस्जिद जाएगा, वहां नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, फिर इन लोगों की वापसी होगी। वो अभी ऊपर नहीं आएगा। मुझे पता है मेरी चुईया को किसका डर है।
हेलो जी जी, घर पे एक छोटा सा काम करके बस आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। हेलो लोग कैसे लगे आपको? लोग तो काफी मुनासिब लगते हैं, लड़का भी अच्छा है। लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है और दो बहनें हैं सिर्फ, दोनों शादीशुदा और बाहर रहती हैं। सिर्फ एक माँ है और ये लड़का है, ये दोनों रहते हैं उनके साथ। शादी कर लूंगा, कल मैं जब चली जाऊंगी तो तुम मुझे मिस करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अपना हाथ दो और अपनी आंखें बंद करो। अल्लाह, कितनी अच्छी लिंग है। लकी सुनो, कॉफी वाला बिस्किट ट्राई करो ना। हाँ दो, थोड़ा सा अच्छा है ना? रोएगा? इतनी अलग थलग क्यों खड़ी हो? चलो ना अंदर चलते हैं। हाँ बस आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, क्यों परेशान लग रही हूँ क्या? नहीं, लग तो बिल्कुल भी नहीं रही। मैं खुश हूँ अस्मारा, बहुत खुश। सच बताऊँ तो कभी कभी डर भी लगता है कि पता नहीं सही फैसला क्या है या गलत, लेकिन आज क्लियर हो गया। बहुत अच्छा लड़का है वो, इसकी बात कर रही हूँ। पता है, मुझे लगता है कि मैं सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हूँ उसके साथ। शुक्र है, जानने के बाद से अब समझने की स्टेज पर आ गई हूँ, लेकिन जितना समझने लगी ना उससे, वो मुझे पता नहीं, बस मुझे पता है कि वो मुझे थोड़े में भी ना बहुत खुश रख सकता है। सच बताऊं तो बहुत हल्की फुल्की हो गई हूँ मैं, बहुत हल्की फुल्की। अरे छोड़ो ना मुझे, मैंने इतना खा लिया है कि मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। वैसे एक बात है कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ना, अक्सर वो शादी के बाद चेंज हो जाती है। कुछ तो बहुत अच्छी हो जाती है, वो चुड़ैल गायन गाय बन जाती है, तो वो बहुत अच्छी हो गई हो। बेटा अच्छा भाई, बहुत तारीफ हो गई, चलो अंदर चलते हैं। ने तो मुझे खरीद लिया लड़के, खुदा की कसम मेरे सगे माँ बाप ने कभी मेरा दर्द इस तरह नहीं महसूस किया जिस तरह तुमने किया है। यकीन जान मेरा तो इंसानों से अतबार ही उठ गया था, लेकिन तुमने तुमने प्लीज मत रोए, आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। तो कुछ भी नहीं है, मेरे बस में हो तो क्या कुछ ना करूं आपके लिए।
अब देखो ये तो 4 लाख है, लेकिन अब 4-5 लाख और भी तो करने हैं ना। कुछ मैं कर लूंगी, कुछ तुम कर लेना। नहीं नहीं, वो सादगी वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बार बार करना ही पड़ता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये जरा अपने समझी से बात कर लीजिए। जब आपका फोन आता है ना तो ये अपनी बहू से बात करने के लिए मचल जाते हैं। लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये जो आप जहेज की बात कर रही थी ना, ये आज के बाद ना कीजिएगा। और ये फर्नीचर वगैरह के तकल्लुफात में ना पड़े, इस घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम कहाँ रखेंगे। देखें, कमी एक ही चीज की है, वो है हमारी बेटी फरद। बस उसे भेज दीजिए आप, वो हमारी कमी पूरी कर सकती है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए माँ बाप के भी कुछ अरमान होते हैं। बेटियों को जो कुछ भी दिया जाता है वो देते हुए सुकून ही मिलता है। हाँ हाँ, ये बताइए वो आपकी बहू के क्या हाल हैं? तंग तो नहीं करती, वे बहुत ही प्यारी बच्ची है। हमें तो इतनी अच्छी लगती है, दिल खींचा चला जाता है उसकी तरफ। इतनी भी प्यारी नहीं, मेरा बेटा ज्यादा प्यारा है। हाँ हाँ भाई, आपका बेटा भी लाखों में एक है। खैर बहरहाल, आपको अच्छी लगती है तो मैं कौन हूँ रोकने वाली। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगी जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनाजे में तो तुम्हें आने की तौफीक नहीं हुई, यहाँ कब से आके मरे हुए थे? क्या बात कर रहे हैं? जनाजे में था मैं, और तुझे होश कहाँ था? तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ा मैंने नमाज़े जनाजा। अब मैं सोचता हूँ कि सारे फसाद की जड़ तुम हो ना, तुम इन लोगों को मेरे यहाँ लेकर आते और ना मेरे अब्बा इमरजेंसी में पाकिस्तान आते, और ना ही अचानक उनकी ऐसे मौत होती। इमोशनल हो रहे हैं? देख, इमोशनल होना अच्छी बात नहीं होती। इमोशनल होके इंसान तो मुझे ये बताओ, कसूर तो अंकल का था ना? जब उन्हें पता था कि वो शादीशुदा जवान बच्चों के बाप हैं, तो क्या जरूरत थी नूर से फ्री होने की? ओ भाई, नूर एक वर्किंग वुमन है, वो तुम्हारी मेरी अम्मियों की तरह घरेलू औरत नहीं है। उसका रोज मर्दों से वास्ता पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। और उसने तो खुद कहा था कि वो अंकल की कितनी रिस्पेक्ट करती है एक मालिक मकान होने की हैसियत से। बस रहने दो, जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ ना, उसके बाद तुम्हें इसकी किसी बात पे यकीन कर ही नहीं सकता। इसने फंसाया था मेरे बाप को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक शरीफ औरत पे इल्जाम लगाते हुए। उनको वो तुम्हारी सास बनेगी। वो मेरी सास बनेगी और तू मेरा ससुर है ना? क्या दोस्त है यार? मैं नहीं मानता ऐसी दोस्तियों को। मेरी माँ का घर उजाड़ा इस डायन ने। यार प्लीज, ये इंडियन ड्रामो वाली जबान इस्तेमाल मत करो। उसे तो घर ये छोड़ना पड़ेगा आजकल में ही। ले जा, किसी और ठिकाने पर ले जा। मेरी बात सुन, तेरे तो वैसे भी बहुत सारे दोस्त होंगे ना, और मुझे तुझसे आज के बाद कोई वास्ता कोई ताल्लुक नहीं रखना, और ना इन लोगों से। मेरी बात तो सुन, कहाँ लेके जाए? तू जैसे जलील और घटिया दोस्त ही आस्तीन का सांप होते हैं। कुछ मजा नहीं रहा है उस ड्रामों में। ओहो, देखने देना भाई। तू जाना, सो जा जाके। सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? स्कूल चली जाऊंगी मैं, सुबह के 2 पीरियड जो है पीटी के हैं, आराम से सोती रहूंगी। अपनी भावच की बात सुनी, कह रही है अपनी तनख्वाह घर वालों को देगी। यासिर ने तो कह दिया शादी के बाद मुझे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने भी सोच लिया रिजाइन दे दूंगी। हैं, रिजाइन देने की क्या जरूरत है भला? लंबी छुट्टी ले रहे? थक गई हूँ मैं, कब से तो कर रही हूँ सरकारी स्कूल में टीचरी। तो सरकारी नौकरी कोई मजाक नहीं होती, लोग जान देते हैं उसके लिए, लाखों रुपया खिला देते हैं उसे हासिल करने के लिए, और फिर पेंशन, अलग ताज जिंदगी। सुनिए वो जेरू की बात की आपने?
नहीं मैं भूल गई, इतने काम है जान को लगे हुए, कभी ये करो कभी वो करो, भूल गई। अब ऐसा भी नहीं है, सारा किचन तो अब्बा ने संभाला हुआ है। इनकी सुनो तो दुनिया में किचन के अलावा कोई और काम ही नहीं है। अरे बावर्ची खाने का काम को मैं सबसे ज्यादा आसान समझती हूँ। तुम्हारे अब्बा जैसे बेढंगे और नकम्मे लोग हैं जो पता नहीं यूं जाहिर करते हैं जैसे ऐसा कोई महाज है जिस पर से उनकी ड्यूटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं जब बावर्ची खाना संभालती थी लष्टम पष्टम काम करती थी। अच्छा अम्मी, मुझे तो याद नहीं आता और ना ही मेरी याददाश्त में ऐसा कुछ महफूज है। हाँ मुझे इतना जरूर याद है कि एक बार आपने ऐसी लेसदार ऐसी बदबूदार भिंडी बनाई थी कि दादी जाने वो पूरी की पूरी हांडी बाहर फेंकवा दी थी। तेरी दादी ना दुश्मन थी मेरी। अच्छा सुन फरहत, ये जो तेरा सुसर है ना इसको औरतों के साथ बातें करने का बड़ा शौक है। फरखंदा जब भी मुझे फोन करती है बहाने से फोन ले लेता है और मुझसे बातें शुरू कर देता है। मुझे मर्दों से बकबक करने की आदत नहीं है और फिर हमेशा बहू के बारे में पूछेगा कि वो ठीक है, बहाने बहाने से उसी की बात करता है। नहीं खलील अंकल को आप नहीं समझी, वो बाहर ज्यादा रहे हुए हैं ना, औरत मर्द में ना कोई फर्क नहीं रखते। आपको देखना चाहिए था जिस दिन वो मुझे और सामिया को मॉल लेके गए थे ना, बिल्कुल बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखा था। आपकी तो जहनियत भी तोहफा है भाई। मैं तो यूं ही एक बात कर रही थी भाई, मैंने कहाँ देखा है मर्दों को यूं औरतों के मामलात में घुसते हुए, हमारे अब्बा हमारे भाई भी तो थे। वैसे खलील साहब की ना आंखों में भंवर है और जिन मर्दों की आंखों में भंवर होते हैं ना बड़े रंगीन मिजाज होते हैं, मुझे भी बड़े गौर गौर से देखता रहता है। तो भाई अम्मी आप भी ना। लाखों किए जतन पर मायल ना होवे, दिल है के खंजर से भी घायल ना होवे। किस्मत ने खोदे गड़े हम मुंह के बल गिर पड़े, ऐसे गिरे के कोई हमको उठा ना पावे। पीछे हटना नहीं नहीं। कुछ खा लें, कब से ऐसे बैठी हूँ। मैं उसका कलेजा खाऊंगी, कलेजा चुपाऊंगी उसका। तूने अभी तक लोगों को धक्के मारकर घर से नहीं निकाला है ना, तू दुनिया का वो वाहिद बेगैरत बेटा है जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अम्मी मैं तो वैसे ही उनको। क्यों नहीं गई वो अभी यहाँ से, क्यों नहीं गई। अम्मी सब कुछ इतना अचानक हुआ, मैं सोचता हूँ मैं कल कह दूंगा उनसे। क्या कह दूंगा, कह दूंगा, सोचता हूँ। तू रहने दे, उस नीच घटिया औरत से मैं निपटती हूँ, उसको धक्के देकर इस घर से मैं निकालती हूँ, लाख मार के। अम्मी देखे देखे पहले बड़ा तमाशा बन गया, प्लीज अभी आप मत जाएं, मैं बात करता हूँ सुबह। तू वो लोग चले जाएंगे कल। तू 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 मुझे समझा रहा है, तू मुझे समझा रहा है। हट जा बिलाल, हट। मैं उसे निपटती हूँ, ठहर। अम्मी अम्मी रुक जाएं। गैरत हो, दफा हो जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त, निकलो यहाँ से। आप ही के मरहूम शोहर की ख्वाहिश थी कि मैं तमाम उम्र इसी घर में रहूं। मेरे शोहर की ख्वाहिश थी। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? निकल जाएं आप लोग यहाँ से शराफत के साथ, पर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी का हाथ मोड़ने की? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इनकी हिम्मत हुई मुझे चांटा मारने की। इन दोनों को बाहर निकाल के फेंको बिलाल। अरे किसी के बाप की मजाल जो हमें यहाँ से बाहर कर सके।
शौहर के मरने के बाद भी चैन नहीं आया तुम्हें? तुम्हारी वजह से मरा है वो, तुम्हारी वजह से खुदकुशी की उसने। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जान से मार दूंगी, यहाँ से तुम बच के नहीं जाओगी, देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। तुम्हारी वजह से मरा है वो, तुम्हारे डर से मर गया ना। अब तुम अपनी जान की खैर मना, यहाँ से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। निकालो इन दोनों को, बिलाल क्या खड़े मुंह देख रहे हो मेरा? चाहिए आप लोग यहाँ से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रात के इस वक्त तुम दो औरतें कहाँ जाएंगी? ये हमारा मसला नहीं है। बिलाल ऐसे तो ना कहो। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही। तुम रहने दो, मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हारा जनाजा निकलेगा यहाँ से। बिलाल संभालो अपनी बांह को और सीधी तरह यहाँ से ले जाओ, वरना मैं अगर अपनी करनी पर आई तो सारी जिंदगी ये जेल में सड़ेंगी। अम्मी चल। मामूली औरत नहीं हूँ मैं। अम्मी चले, कल तक ये लोग आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे। चले आप मेरे साथ। मुझे नजर भी नहीं आने चाहिए ये लोग। छोड़, मुझे नजर नहीं आए ये लोग मुझे कल तक। हाँ, वर्दी और मोबाइल में आना। वॉइस नोट तुम्हें भेज दिया है मैंने, जो रिकॉर्डिंग बनाई थी। भाई ये औरत मुझे अब जान से मारने की धमकियां दे रही है। तुम फौरन आओ, इसी वक्त। मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते? आ रहा है नादिर। अब उनकी बहू को तो भुया के लाने से रही। भाई कुछ अरसे इंतजार कर लो बस। ये जो हालात के सताए हुए लोग होते हैं ना, ये कभी भी किसी भी लम्हे बगावत कर सकते हैं। ज्यादा अरसे टिकेगी नहीं। जिंदगी की दुआ लेने वालों का ढंग ही अलग होता है। तुझे बताऊं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने तशद्दुद की पॉलिसी ना अपने हद तक रख। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। सो कौन आ गया? आप देखिए, मेरी अम्मी इद्दत में है, आप उन्हें नहीं ले जा सकते। चल चल कोई बात नहीं, उनकी जगह तू इद्दत में बैठ जाना। देखिए सर मेरी, छोड़ दो मुझे, कहाँ नहीं कर जा रही मुझे। ये थाने चल के पता चलेगा बीबी तुझे। मैंने क्या क्या बिलाल? चलो चलो शाबाश। तू कहाँ नहीं जा रहे मुझे? आप लोग ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? अरे सर, एक दफा सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुने सर प्लीज। सर आप ऐसे कैसे, सर मेरी बात सुने सर, आप कैसे ले जा सकते हैं? जैसे मैं आपको बता रही थी ना एसएचओ साहब, इस औरत ने मुझे पहले भी कई बार मार डालने की धमकियां दी हैं। उस दिन भी इनके शौहर जब आए मकान की बात करने के लिए, मैं उनसे भी यही कह रही थी कि भैया जैसे ही मुझे मुनासिब घर मिल गया मैं इस घर को छोड़ दूंगी। बस हमारी इतनी सी बातचीत हुई है कि ये और इनके भाई कमरे में घुस आए, और घुसते ही इन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की है, इतनी बकवास की है इन्होंने मेरे साथ। और फिर अब फिर ना वो इनका जो भाई है वो अपने बहनोई को मारने के लिए दौड़ा, और ये पीछे से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मार दो इसे, खत्म कर दो इसे। बस इसी बदहवासी में ना मुबशर साहब जो है वो बालकोनी से कूद गए, और अब आप ये देखिए अभी अभी इनके शौहर का इंतकाल हुआ है, और ये अपने बेटे के साथ मेरे यहाँ नाजिल हो गई मुझे मारने के लिए। आपको अगर यकीन नहीं आता तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे फोन में, मैं आपको सुनाती हूँ। ये सुनिए सर। थैंक
दोनों को बाहर निकाल के फेंको बिलाल, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जान से मार दूंगी, यहाँ से तुम बच के नहीं जाओगी। चाय दूं आपको? नहीं भाई, चाय पीकर मेरे तो खुशकी हो जाती है। वो तुमसे कहा था ना, जेवरात निकाल देना भरत को चढ़ाने। हाँ तो आप ले लीजिएगा ना, मुझे वैसे ही सोना पहनना अच्छा नहीं लगता। दोनों तरफ के निकाल देना, अपनी तरफ के भी और हमारी तरफ के भी। तुम्हारा तो भाई कमाऊ मर्द है, तुम्हें और बना देगा। वो कुछ ना भी दे तब भी मैं उसके साथ खुश हूँ। भाई हमें ना आए ऐसी फिल्मी बातें करनी। चलो निकाल देता। अम्मी परेशान ना हो, मैंने पता किया है, आप पर केस तो बन गया है लेकिन जमानत हो जाएगी। मुन्ने मामू भी आ रहे हैं, मेरी बात हुई उनसे, आप कल तक घर पर होंगे इंशाल्लाह। चलो जी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। नंबर की छठी हुई लड़की है ये। मैंने तो जब इसे पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गई थी, गोल गोल सांप जैसी आंखें हैं, ये जरूर कोई गुल खिलाएगी। अरे रोज रोज माँ के यहाँ जाके मरती थी, तभी इसने सारा जेवर वहां मुंतकिल किया हो। उस दिन जब माँ के यहाँ जा रही थी तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला रही थी। अम्मी अब मेरी शादी का क्या होगा? सर भर है मेरी शादी, क्या फकीरनी बन के जाऊंगी मैं अपने ससुराल में? मैं तो उस बदसाब के हलक से निकलवाऊंगी, वो समझती क्या है, मैं उसकी ड्रामेबाजियों में आ जाऊंगी, पर्चा कटवाऊंगी मैं उस पर, उसके बुड्ढे बाप और उसकी बेशरम माँ को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। लो आ गए बीवी के गुलाम इतने गुलाम, बता दी उसने तुम्हें चोरी की मनगढ़ंत दास्तान? वो तो बस रो ही जा रही, कुछ नहीं बता रही। बहुत ऊंची फिल्म है वो। फिल्म भी वो जिसमें हीरो हीरोइन के किरदार ना हो, बस विलन और बदमाश किस्म की औरतों के किरदार हो, अयारियों और मकानियों से भरे हुए। घर से सारा जेवर गायब हो गया या गायब करवा दिया गया? तो आपके कहने का क्या मकसद है? वो जो जेवर गायब हुआ है वो सामिया ने करवाया है। अच्छा, उसने गायब नहीं करवाया तो किसने करवाया? तुमने करवाया? मैं क्यों करवाऊंगा, और अगर गायब ही करवाना होगा तो आपको ना गायब करवा दूं। ठीक रिजवान, मैं तेरा मुंह तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी अगर तूने ये बेहुदा कॉमेडियां की तो। या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, मदद फरमा, मदद फरमा जी, का क्या हो गया या अल्लाह। अरे भाई सब तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। हाँ कपड़े तो एक से एक लिए हैं मैंने। हाँ 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 बताऊंगी फिर फोन करूंगी। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ये आपका मुंह क्यों इतना सूजा हुआ है? अरे भाई जब आदमी अपने बच्चों का रिश्ता करता है तो देखभाल के करता है। ऊंट पर सवारी करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है ये रिश्ता ढूंढना। और एक तुम वहां गई पार्लर में, लड़की पसंद आ गई, रिश्ता भी तय कर दिया। हर चीज तुम्हें तुम्हारे हाथ में तैयार चाहिए,
इंतहाई काहिल और सुस्त औरत हुई। आजकल की लड़कियों को तो आप जानते हैं ना, तबाह होके रह गई है सोशल और स्मार्टफोनों के हाथों। न जाने कौन कौन सी दुनियाओं में घूमती फिरती हैं ये। भाई हम तो बहुत सादा दुनिया के लोग थे, हमें कुछ मालूम नहीं था सिवाय अपने रिश्तेदारों की खबर और अपने मोहल्ले वालों का पता, इससे आगे और कुछ नहीं। वैसे मैं हिसाब लगा रही थी, ये पिछले 2-2.5 सालों में हमने जितनी शादियां अटेंड की है ना, उसमें से 7 या 8 तो तलाक पे खत्म हुई हैं। मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। दिमाग तो ठीक है आपका, शादी में दिन ही कितने रह गए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है। बहुत समझदार और ठहराव वाली लड़की है, संभाल लेगी हमारे यासिर को। ये जो 2 तलाकों वाली बात है ना, ये तुम्हें उन्हें बता देनी चाहिए थी। ये बात ज्यादा दिन छुपती नहीं है, जल्दी अब देर पता चली जाती है। लोग अपनी औलादों के ऐब छुपाते हैं और आपको देखो जब दिल चाहे मुंह उठा। अच्छा अच्छा ठीक है, बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद। डॉक्टर्स कहते हैं वो नॉर्मल है और कुछ बात अपने झुकाव की भी तो होती है। वैसे मुझे इस लड़की से ज्यादा समझदार उनकी बहू लगती है। जो लड़की घर के तमाम खराब हालात अपने दिल में रख ले और कोई बात ना करे, वो लड़की कोई आम लड़की तो हो नहीं सकती, बहुत खास है वो लड़की। अब उनकी बहू को तो ब्याह के लाने से रही। भाई कुछ अरसे इंतजार कर लो बस। ये जो हालात के सताए हुए लोग होते हैं ना, ये कभी भी किसी भी लम्हे बगावत कर सकते हैं, ज्यादा अरसे टिकेगी नहीं। अब ये फजूल बातें करके ना मेरा दिमाग खराब मत करें, वैसे शुगर बहुत लो हो रही है मेरी। जो लड़की इतनी खौफनाक सास के साथ गुजारा कर रही है, वो तो किसी के भी साथ, मेरा मतलब है हमारे यासिर के साथ भी गुजारा कर सकती। तौबा तौबा अस्तगफार, ये क्या गंद फैलाया हुआ है, सारा किचन फैला के रख दिया। तेरी माँ ने तुझे कोई ढंग कोई सलीका सिखा के नहीं भेजा। साफ कर इसे, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। आप कब से काम करने लग गई? ये काम तो अंकल करते हैं। हाँ पर ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। जानती हूँ ये आपका घर है, लेकिन मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूँ, आपकी बेटी की बीवी हूँ मैं। बीवियों का क्या है, वो तो आती जाती रहती है, ये माँ है जो डटी रहती है। कोई कितनी देर किस जगह पर रहता है इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? आपको पता है कि अगले लम्हे क्या होगा? हो सकता है आपका हार्ट फेल हो जाए, हो सकता है मैं ही मर जाऊं। मुझे मरने की बतवा दे रही? तो जिंदगी की दुआ लेने वालों का ढंग ही अलग होता है। तुझे बताऊं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपनी तशद्दुद की पॉलिसी ना अपने हद तक रखे। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो एक चमाट खा के अपना दूसरा गाल आगे पेश करती है, समझी? तू है ही एक नंबर की साजिशी, नीच और मक्कार। सेवर तो मैं तेरे हलक से निकलवाऊंगी, पता नहीं किस किस्म के नीच और बेगैरत खानदान से वास्ता पड़ा। अगर मुझे पता होता कि रिस की माँ ऐसी तू तड़ाक करने वाली गलीज जबान इस्तेमाल करने वाली औरत है, तो लात मार के उसको अपनी जिंदगी से निकाल देती। हरगिज नहीं खाने दूंगी मैं तुझे ये 3 अंडों का आमलेट। एक अंडे का बना रही थी। अरे चल चल झूठी, एक अंडे का बना रही थी, आंखें खुली हैं मेरी, देखती हूँ सब कुछ। दूध निकाल निकाल के पीती रहती है फ्रिज में से, आधी आधी रात को उठती है और फ्रिज का सफाया कर देती है। बस तू अपना नाश्ता खाना अलग कर, नहीं घुसने दूंगी मैं तुझे अपने किचन में। अरे बोलना तो सीख ले, किचन। बताऊं तुझे? बताऊं? तू 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 ना है ही ऐसी, तू तेरी माँ भी ऐसी, तेरा बाप भी ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, तुम लोग हो ही घटिया जलील कमीने बचलन लोग, मैं तुम लोगों की जान लूंगी, समझ आई? हो गया, निकल गई भड़ास, आ गया चैन? निकल यहाँ से, मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। सुना नहीं तूने क्या कह रही हूँ? निकल रही हूँ आपकी किचन से।
को बुला ही लेती। क्यों? औरत तो लोहे की तितली होती है और ये तो खुद उसका निकम्मापन है जो मर्दों के सामने अपने आप को कमतर बनाकर पेश करती है। और ये मर्द समझते हैं आपका थोड़ा सा सामान क्या उठा लिया, बस में जगह खाली कर दी, बड़े मर्द बन गए। ए बुढ़ियों को दो फेवर, हम जैसी जवान जहान औरतों को माजूर बनाने पर क्यों तुले हुए हो भाई? वो खड़ा टैक्सी वाला तो ये हमेशा लोकेशन से दूर आके खड़े हो जाते हैं पागल। वैसे एक बात बताऊं, मेरा तो यहाँ वैसे ही दिल नहीं लग रहा था, वरना उस बिलाल की माँ को तो भीख का कटोरा पकड़ा कर फुटपाथ पर बिठाना था मैंने। चलो ओ भाई साहब। जी बाजी। खोलो। ये चलो तुम पीछे बैठ जाना। लाइट ऑन कर। लाइट खराब है। क्या हुआ, कभी कोई ढंग की औरत नहीं देखी? चलाओ गाड़ी। खुश रहो अहले चमन, हम तुम्हें दुआ देते हैं। चलो भाई। यासिर, यासिर। हाय अम्मी। रहने दो, नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? एक कौन चोर था, कब आया? दो दिन पहले तो सारे जेवर मौजूद थे। मुझे किसी पे शक है। किस पे? तुम्हारी अम्मी। तुम पागल पागल तो नहीं हो गए? ऐसे मौके पर तुम हंस रहे हो? यार माहौल को लाइट बना रहा हूं। वो जाने वाली चीज थी, चली गई। तुम चाहे अब जितना मर्जी रो लो, आंसू बहा लो, मातम कर लो, वो वापस नहीं आएगी। तुम्हारी अम्मी ने मेरे जेवर चोरी किए, मेरा दिल अंदर से गवाही देता है। क्या पता मैंने चुराया? नहीं, तुम पर तो खुद से भी ज्यादा एतबार है मुझे। और अगर तुम्हें जरूरत होती तुम बता देते। तुम तो वैसी हो ना, जो दिल में वो जुबान पर। और खुदा की कसम, एक सवाल के बगैर तो मैं सारे का सारा जेवर थमा देती। यही होगा कहीं मिल जाना चाहिए। Da 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 da